खबर गाजियाबाद से है, जहां पर 7 नए थाने बनाने के लिए जमीन मिली है। जल्द संचालन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिला प्रशासन ने जमीन भी चिन्हित कर ली है। सभी मानकों पर खरी उतरने के बाद जमीन को हरी झंडी दी जाएगी। तो जिला प्रशासन ने जमीन को भी चिन्हित कर लिया है कि कहां पर ये थाने बनाने हैं और सभी मानकों पर खड़ी उतरने के बाद जमीन को हरी झंडी दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, 7 नए थाने बनाने के लिए जमीन मिली है और इन जमीनों को भी चिन्हित कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस समय से कमिश्नरी यहाँ पर लागू हुई थी उसके बाद से लगातार जो नए थाने हैं उनके बनने का सिलसिला जारी है। और गाजियाबाद के जो कमिश्नर है अजय मिश्रा, उन्होंने 7 थाने और जिनका प्रस्ताव लखनऊ भेजा था और अंततः उस 7 थानों के लिए जमीन मिल चुकी है। मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने सिद्धार्थ विहार, राजनगर एक्सटेंशन, मोदी नगर, गंग नहर, अवंती का इंदिरापुरी और लोहिया नगर थानों के लिए कुछ जमीनें हैं जो चिन्हित की हैं और उस जमीन की समीक्षा की जा रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और जो जमीन है वो मानकों पर खरा उतरती है तो माना जा रहा है कि जल्दी ही इन सभी जमीनों पर थाने बना दिए जाएंगे और उसके बाद इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जी। और इसी के साथ जरा ये भी जानकारी साझा करिए यादराम कि इस जब ये 7 थाने बन जाएंगे तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। देखिए, अभी तक गाजियाबाद के जो थाने हैं उनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और एक अकेले थाना प्रभारी और कुछ फोर्स के जरिए इतने बड़े क्षेत्र को संभालना बड़ा मुश्किल था। तो इसी सब बातों को देखते हुए जो थाने हैं, मौजूदा थाने, उनको काटा गया और उन थानों को छोटा किया गया। उसी कड़ी में और भी जो थाने हैं वो बनने थे और कानून व्यवस्था इससे बेहतर होती है, क्योंकि जब थाना क्षेत्र छोटा होता है तो कहीं ना कहीं घटना स्थल पर पहुंचने में बहुत फुर्ती दिखाई जाती है और जो समय सीमा है पुलिस के मौके पर पहुंचने की वो बहुत कम होती है, जिससे निश्चित तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें बेहद जो सकारात्मक है नतीजे वो देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में जो 7 थाने हैं उनको बनाने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।